नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मास्टर। पिछले वीडियो में हमने अपील के बारे में डिस्कस किया था, सिविल मैटर्स में अपील। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस, रिव्यू और रिवीजन। तो जो रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इन तीनों का प्रोविजन रेस्पेक्टिवली सीपीसी में सेक्शन 113, 114 और 115 में दिया हुआ है। हालांकि रेफरेंस और रिव्यू के बारे में ऑर्डर 46 और 47 में भी बताया गया है। अब सबसे पहले समझते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। तो रेफरेंस, जिसको हिंदी में निर्देश बोलते हैं, ये वर्ड पर रेफरेंस को अगर इंग्लिश में बोले तो रिफर से बना है। अब लोअर कोर्ट कोई फाइल मॉनिटर कर रही है, कोई फाइल देख रही है, या कोई भी मैटर लोअर कोर्ट के सामने आता है और उसको कुछ लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व है जिस पर हाई कोर्ट की राय ली जानी चाहिए, तो वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रेफर कर देगी टू द हाई कोर्ट, और इसी को बोला जाता है रेफरेंस या निर्देश किया जाना। तो जो जनरली जो निर्देश करती है वो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट को निर्देश करती है और हाई कोर्ट की ओपिनियन प्राप्त करती है उस पर्टिकुलर मैटर पर, उस पर्टिकुलर समस्या पर। दूसरी चीज आती है रिव्यू। रिव्यू का प्रोविजन केवल सिविल में ही होता है, क्रिमिनल मैटर्स में रिव्यू नहीं होता। रिव्यू अब किस न्यायालय में होता है? तो जनरली रिव्यू न्यायालय उसी न्यायालय में होता है जिस न्यायालय ने वो जजमेंट दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आजकल क्रिकेट में भी रिव्यू लिया जाता है, तो लेकिन क्रिकेट में रिव्यू जब लेते हैं तो वो थर्ड एम्पायर पर रेफर कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर रिव्यू हमें लेना है तो जिस न्यायालय ने जजमेंट पास किया है। अपील में तो ऊपर सबॉर्डिनेट, जिस न्यायालय के सबॉर्डिनेट होते हैं वहां अपील करते हैं, रेफरेंस में रेफर करते हैं उस हाई कोर्ट को, लेकिन रिव्यू उसी न्यायालय से कहा जाता है। अब रिव्यू कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो रिव्यू जब जजमेंट पास हुआ और जजमेंट के पास होने के बाद हमें कुछ ऐसी एविडेंस मिलती है जो हमें लगता है कि वो एविडेंस रिलेवेंट हो सकती है और उससे जजमेंट चेंज हो सकता है, तो हम रिव्यू के लिए उस कोर्ट से प्रार्थना कर सकते हैं कि उस मैटर को रिव्यू कर दिया जाए। तो ये रिव्यू के बारे में प्रोविजन सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 में दिया हुआ है, जहां हम रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और कोर्ट सेटिस्फाइड होने पर रिव्यू अलाउ करेगी। अगर कोर्ट डाइवर्स है, अगर सपोज करिए दो कोर्ट्स की बेंच में जाता है मैटर, या कोर्ट को लगता है कि कोई रिलेवेंट ग्राउंड नहीं है, या जो आप रिव्यू का जो आधार, आपका रिव्यू का एप्लीकेशन है वो आधारहीन है, तो कोर्ट आपके रिव्यू के एप्लीकेशन को खारिज कर देगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई एविडेंस ऐसी होनी चाहिए जो जजमेंट के बाद आई हो, और आपके पास रीजंस होना चाहिए कि वो एविडेंस आपने जजमेंट से पहले क्यों नहीं दी। तो ये होता है। अब तीसरी चीज आती है, वो है रिवीजन। रिवीजन जिसे हिंदी में निगरानी या पुनरीक्षण भी बोला जाता है। रिवीजन में क्या होता है? रिवीजन में जो ऊपर वाली कोर्ट होती है वो अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब करती है। किसी भी कोर्ट को लग रहा है कि लोअर कोर्ट ने इररेगुलरिटी की है, इररेगुलरिटी विद रिगार्ड टू ज्यूडिक्शन। अब वो ज्यूडिक्शन के रिकॉर्ड, वो ज्यूडिक्शन जो उसमें बेस्ट था, वो ज्यूडिक्शन का उसने पालन नहीं किया, या ऐसे ज्यूडिक्शन को फॉलो कर लिया है जो ज्यूडिक्शन उसमें बेस्ट ही नहीं था। तो इन सारी चीजों में जो अपर कोर्ट होती है, जो हायर कोर्ट होती है, वो लोअर कोर्ट या अपनी सबॉर्डिनेट कोर्ट का रिकॉर्ड तलब करा सकती है। निगरानी जनरली होती है, बहुत सारे मैटर में आमतौर पर निगरानी की जाती है या रिवीजन फाइल किया जाता है। जनरली क्या होती है, हम रिवीजन फाइल करते हैं, तो हम रिवीजन इसी आशय से फाइल करते हैं कि जो लोअर कोर्ट है उसने इररेगुलरिटी की है, उसके रिकॉर्ड को तलब कर लिया जाए और देखा जाए कि वो इररेगुलरिटी को ठीक है। तो ये रिवीजन होता है। अब रिवीजन किस कोर्ट में लाए करेगा? तो सेक्शन 115 स्पेसिफिकली बोलता है कि रिवीजन लाए होगा हाई कोर्ट। तो रिवीजन सिविल में हाई कोर्ट में लाए होता है। हालांकि कुछ स्टेट्स ने अमेंडमेंट करके, जैसे उत्तर प्रदेश में अमेंडमेंट करके 5 लाख रुपए तक की वैल्यूएशन के रिवीजन को लोअर कोर्ट में यानी डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। अदरवाइज जो सीपीसी में प्रोवाइडेड है 115 में, वो जो रिवीजन फाइल होता है वो हाई कोर्ट में ही फाइल होता है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।